हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.1 में हमने आपको क्वेश्चंस कुछ बताए थे, बाकी हमने बताया था सेस क्वेश्चन, उसी प्रकार से आप हल करेंगे। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 12.2, इसमें हम दो क्वेश्चन नोट किए हैं। इस वीडियो में दो क्वेश्चन आपको हम बताएंगे और इनसे संबंधित जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करिएगा, बाकी आपको हम बताते ही रहेंगे एक एक दो दो करके। तो देखिएगा ये क्वेश्चंस हमें कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से इनको हल करना है, इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर के आप अपनी बुक को निकाल लीजिएगा, कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए और एक्सरसाइज 12.2 में आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तो यहाँ हमने 1 डाला है, शायद आपका एक्सरसाइज जो दी है उसमें का दूसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखिए, जो आपका पहला दिया हुआ है क्या, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हमने बताया जब चतुर्भुज से संबंधित है तो चाहे जैसा चतुर्भुज बना लो, आप नाप करके बनाए, चाहे ऐसे बना लो, मान लो हम ऐसे ही बना लेते हैं। फिर आपको साफ करके बताना है ABC, ये तो निकल आपका AC हो गया और बाकी आपको बताया। तो AB = कितना है देखिएगा, 3 सेंटीमीटर है। BC = 4 दिया है, फिर CD = 4 दिया है और DA = 5 है और निकल AC = 5 5। आप ऐसे रुपये बना लेंगे, नाप कर बनाना चाहते हैं तो आप नाप करके बना सकते हैं, जो मापे दी गए हैं उसी माप के अनुसार आप चतुर्भुज बना लीजिएगा, ठीक, जैसा भी आपका चतुर्भुज बनेगा। लेकिन इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जो विकर्ण AC आपका दिया गया है, इस चतुर्भुज ABCD को देखेगा दो त्रिभुजों में डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम दोनों जो त्रिभुज बने हुए हैं इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और जब ये क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो जाए तब आप चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिएगा सबसे पहले हम जो रूल लेकर के चलते हैं ABC त्रिभुज ABC, इसमें क्या क्या दिया है देखो, AB = 3D और दिया है BC = 4 और फिर आपका AC भी दिया गया है, ये है 5। ओके, तो इन तीनों भुजाओं से हम त्रिभुज का क्या निकालेंगे, अर्ध, त्रिभुज का अर्ध परिमाण देखिए S = बताया गया है A+B+C/2। तो आपका AB जो दिया है 3+4+5/2, 4 × 3 = 7, 5 = 12/2, 2 × 6 = 12, आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। ये हमें मालूम हो, सबसे पहले त्रिभुज जो ABC लिया उस त्रिभुज ABC से हमने क्या किया, त्रिभुज का अर्ध परिमाण निकाला, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्र, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र आपको बताया गया S - A × S - B × S - C, ये मान डाल दीजिए। तो S आपका 6 आया है, 6 - 3
सिक्स माइनस फोर और सिक्स माइनस फाइव रूट, यहाँ पर देखिएगा छः के टुकड़े कर दो, दो तीन छः, यहाँ पर थ्री बचेगा, यहाँ पर टू बचेगा, यहाँ वन बचेगा, जटा लेंगे आप ऐसे तो देखिए दो दो बार है, तीन दो बार है, तो दोनों बाहर आ जाएंगे, यानी टू इंटू थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा छः सेंटीमीटर। ये जो क्षेत्रफल आपने निकाला वो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपने ज्ञात किया, और हमने पहले ही बताया था कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करते समय में आपको ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले इसका अर्धपरिमाप ज्ञात करेंगे, अर्धपरिमाप ज्ञात होने के बाद इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक, अब देखिए हम त्रिभुज लेंगे ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी, इसमें देखिए क्या क्या आपको दिया है, सी डी भी आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, ए डी ए कह लो चाहे डी ए कह लो, ये आपका 5 सेंटीमीटर, और ए सी आपका दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी वही कार्य करेंगे, पहले हम त्रिभुज ए डी सी का क्या निकालेंगे अर्धपरिमाप, तो त्रिभुज ए डी सी का अर्धपरिमाप, और अर्धपरिमाप के बारे में हमने बताया तीनों भुजाओं के योग का आधा, यानी 4 + 5 + 5/2, यानी आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 14/2, कैंसिल कर दो, 2 × 7 = 14, ये कितना आ गया 7 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करें, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र, फार्मूला तो वही जैसे वहाँ पर आपने लगाया था, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस, मान डाल दीजिएगा 7 7 - 4 इंटू 7 - 5 इंटू 7 - 5, ये इतना कार्य आप कर लेंगे। देखिएगा यहाँ पर तो आपका 7 है, इंटू यहाँ कितना बचेगा 3 इंटू 2 इंटू 2, अब इसमें हम ये देख रहे हैं 2 तो दो बार है, लेकिन 7 और 3 सिंगल है, इसका वर्गमूल नहीं बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 4 और अंडर रूट हो जाएगा, इस 2 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अंडर रूट 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 × √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिएगा जब हमने त्रिभुज ए बी सी लेकर के चले तो इन तीनों भुजाओं का योग का आधा की अर्धपरिमाप निकल आया, इसके बाद हमने क्षेत्रफल निकाल दिया, फिर त्रिभुज ए डी सी लेकर के हम चले तो इन तीनों भुजाओं का हमने योग किया उसका आधा कर दिया, तो त्रिभुज ए डी सी का अर्धपरिमाप निकल आया, अर्धपरिमाप से हमने क्या कर दिया त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाला। भाई देखिएगा 5 × 5 = 10 = 14 हो जाएगा, 14 का आधा 7 हो जाएगा, ये निकलने के बाद तब लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्र। देखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये दोनों क्षेत्रफलों को हम जोड़ेंगे तो देखिएगा ये आपका है 6 + 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कुल मिलाकर के जो हमारी मापें दी हैं उन मापों से आपको ध्यान रखना है कि जो चतुर्भुज ए बी सी डी का हमें क्षेत्रफल निकालना है उस क्षेत्रफल को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ए बी बी सी ए सी तीनों मिल करके इसका अर्धपरिमाप निकालेंगे, अर्धपरिमाप निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर त्रिभुज ए बी सी का तीनों भुजाएं नोट कर लीजिएगा और ए डी सी का भी हम अर्धपरिमाप निकालेंगे, अर्धपरिमाप के बाद त्रिभुज ए डी सी का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो भी क्षेत्रफल आएगा यहाँ पर लिख लेंगे,
अब देखिए ये क्षेत्रफल आपका त्रिभुज एबीसी का है और ये क्षेत्रफल आपका त्रिभुज एडीसी का है, क्योंकि इसके साथ में करणी भी लगी हुई है। तो जब हम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ पर दोनों को जो हमने ऐड किया तो ये 6 2 8 नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 के साथ √21 लगा हुआ है, यानी करणी लगी हुई है, इसलिए 6 में जुड़ नहीं सकता है। तो आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6 + 2 √21, या √21 का हम वर्गमूल निकालें दशमलव और फिर इसके बाद 6 में हम जोड़ सकते हैं, जो भी 21 का वर्गमूल हो उसको 2 से गुणा करें, जो गुणनफल आ जाए उसको 6 में जोड़, तो वो आपका हो जाएगा, ये भी आपका क्षेत्रफल होगा इस चतुर्भुज का। तो इस प्रकार से संबंधित ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें हमें बताया है कि चतुर्भुज है तो चतुर्भुज आप बना लो, बनाने के बाद जब विकर्ण को एक डालोगे तो वो विकर्ण क्या करेगा, यहाँ पर 2 त्रिभुजों में इसको डिवाइड करेगा, और 2 त्रिभुजों में डिवाइड करता है तो दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालने के बाद दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दीजिएगा, जब जोड़ेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो इससे भी इस पर संबंधित क्वेश्चंस कई हैं जिनको आपको स्वयं लगाना है, अपने आप लगा के देखिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, दिया है एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 सेंटीमीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का क्षेत्र कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। देखिएगा सम चतुर्भुज है, ABCD प्रत्येक भुजा इन्होंने बताया है 30 सेंटीमीटर नहीं बल्कि 30 मीटर है, प्रत्येक भुजा आपकी 30 मीटर दी गई है। और बड़ा विकर्ण ये कितना दिया गया है 48। तो देखिएगा ये तो क्या बहुत आसान है, सम चतुर्भुज है, यहाँ पर सारी मापे बराबर है, ये विकर्ण इस सम चतुर्भुज को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है और दोनों के क्षेत्रफल समान है, क्योंकि जब भुजाएं समान हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी क्या होंगे, समान होंगे। ऐसे कंडीशन में हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और 2 से गुणा कर दें तो चतुर्भुज सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आपका निकल आए। तो देखिए हम सबसे पहले त्रिभुज लेकर के चलेंगे, वो त्रिभुज हमारा ABC होगा, चाहे ADC ले लो चाहे ABC ले लो, कोई भी आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, त्रिभुज ABC क्या क्या दिया है, AB बराबर 30 सेंटीमीटर, BC बराबर 30 सेंटीमीटर और AC बराबर 48, यह आपका है 48 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले इन तीनों मापों से त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज ABC का अर्ध, और अर्ध परिमाप के बारे में हमने बताया है S बराबर तीनों भुजाओं का योग बटे 2, यानी 30 + 30 + 48 / 2, 30 30 60 40 100 108 बटे 2, 2 × 10 2 × 8 ये हो जाएगा 54 मीटर।
ये तो आपने इस त्रिभुज का क्या निकाला है अर्धपरिमा, अब त्रिभुज का हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्र। फार्मूला सभी को पता है, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, हम सीधे लिखे दे रहे हैं, आप फार्मूला लिखेंगे 54 माइनस 30 54 माइनस 30 54 माइनस 48। ओके, यहाँ पर देखिएगा चौवन के टुकड़े कर दीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर लो क्योंकि आपको वर्गमूल भी निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर 27 गुना 54 होता है, यानी तो यहाँ 2 3 6 3 18 54 2 3 6 3 18 14 और यहाँ 54 में से 30 घटाओ कितना बचे 24, ये तो दो बार मिल ही रहा है क्योंकि यहाँ दो हो जाए समान है, और इंटू यहाँ पर जब आप घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो 2 3 6 ठीक। अब देखो 2 कितनी बार है, 2 बार है, निकाल लो 3 4 बार है, यहाँ पर 2 आ जाएंगे 24 आपका है। अब देखिए इसकी गुणा कर लेंगे, देखिएगा 24 3 72 3 6 72 का गुणा आप कर दीजिए 6 से, तो 6 2 12 6 से 42 1 43 ठीक, 6 2 12 6 से 42 1 43 यही कितना हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर ठीक। यहाँ पर ए तो आप त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालें, यही क्षेत्रफल किसका होगा ए बी सी का, तो दोनों क्षेत्रफल तो बराबर होंगे क्योंकि इनकी भुजाएं क्या है बराबर है, जब दोनों त्रिभुजों की भुजाएं सेम है तो उनका क्षेत्रफल भी क्या होगा सेम होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे चतुर्भुज या पूरी भाषा लिखो सम चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्र, 2 × 3 ए बी सी का क्षेत्र, सीधे 2 से गुणा कर दो तो ये आपका 2 × ए बी सी का क्षेत्रफल कितना आया 432, यानी 2 × 4 2 3 6 2 6 8 मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आपका जो आया वो ये समचतुर्भुज का खेत का क्षेत्रफल है। अब इन्होंने जो ये बताया है कि एक समचतुर्भुज का घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है, और फिर पूछा है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, उस खेत का क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है, और कितनी घास को कितनी गाय चरेगी 18 गाय चरेगी, तो एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक गाय द्वारा चरी गई घास का क्षेत्र, और ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो कुल क्षेत्रफल आया है इसको 18 से क्या कर दें हम भाग कर दें, आप सीधे भाग कर सकते हैं 18 से 864, देखिएगा 18 × 90 होता है, ज़्यादा हो जाएगा 872, 4 बार लग जाएगा 72, यहाँ पर आपका 4 बचा, यहाँ पर आपका 1 बचा, फिर यहाँ 4 ले लीजिएगा तो 18 144 होता है, सभी को पता है ठीक, कुछ नहीं बचेगा, तो यदि इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 48, यानी 48 मीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको हम कैसे हल करते हैं, इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है कि हम सबसे पहले एक समचतुर्भुजाकार खेत बना लेते हैं, एक आकृति बना लेते हैं, और उनकी सभी भुजाओं को हम इंगित कर देते हैं, विकर्ण डालते हैं वो भी भुजा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस समचतुर्भुजाकार खेत में 2 त्रिभुज बन जाते हैं,
और दोनों त्रिभुज समान त्रिभुज होते हैं क्योंकि इनकी भुजाएं समान हैं। तो यदि हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और दो से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब इसमें जितनी भी घास लगी है उस सभी घास को 18 राय चलेंगे। जब 18 राय इसी में छोड़ दी जाती है और सारी घास को चर लेती है तो एक गाय के द्वारा कितनी घास चलेगी, उसका क्या क्षेत्रफल है, वो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इन सारी चीज़ों को भी आपको मालूम होना चाहिए। तब हम कुल क्षेत्रफल को कुल गायों की संख्या से भाग कर देते हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो आप सबसे पहले त्रिभुज ABC लेकर के चलिए, अर्थ परिमाप निकालिए और परिमाप से उसका क्षेत्रफल निकालिए, जो क्षेत्रफल आ गया उससे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। टोटल क्षेत्रफल जो आपका आ गया, कुल क्षेत्रफल उस मैदान का जो हो गया उसको 18 से डिवाइड कर देंगे तो एक गाय के द्वारा चलेंगे घास का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो उनको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और हमने बताया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जा रहा है, अपनी कापी पर सारे नोट्स बनाते रहिएगा, सवालों को हल करते रहिएगा। ये प्रक्रिया आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आपका 40 नहीं हो जाता है। ओके।